हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंदाराना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टायर अपसाइजिंग। दोस्तों, समझते हैं क्यों अपसाइज लोग करते हैं टायर को। काफी लोगों को कंफर्ट चाहिए होता है, काफी लोगों को ज्यादा ग्रिप चाहिए होता है, काफी लोगों का हाईवे कंफर्ट ज्यादा अच्छा लगता है, काफी लोगों को जो लुक्स होता है लो प्रोफाइल टायर का और बड़े टायर का वो काफी अपीलिंग लगता है और काफी अच्छा भी दिखता है। आप देख सकते हो कि काफी जो हाई एंड व्हीकल्स है उसमें लो प्रोफाइल टायर और बड़े टायर आते हैं, और जो लो वेरिएंट व्हीकल्स होती है उसमें जो है पतले टायर आते हैं। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हम काफी कार रिलेटेड, टायर रिलेटेड स्टोरीज वहां पे अपलोड करते हैं और काफी नॉलेज वहां पे डे टू डे बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। तो टायर अपसाइजिंग को लेके काफी लोगों को क्वेरीज होती है, काफी लोगों को पता नहीं होता है कि कैसा टायर अपसाइजिंग करना होता है। टायर अपसाइजिंग जो है ये काफी एक कॉम्प्लेक्स और एक वास्ट सब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स और वास्ट इसलिए है क्योंकि काफी दिक्कतें आ सकती है दोस्तों, अगर आप सही अपसाइजिंग मेथड अप्लाई नहीं करते हो तो। टायर अपसाइज का एक्यूरेट मेथड ये क्या होता है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कौन से टाइप के टायर अपसाइजिंग होते हैं। टायर अपसाइजिंग के अंदर जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो एक है प्लस जीरो। प्लस जीरो मतलब दोस्तों व्हील रिम का जो साइज है वो सेम होता है, हम लोग खाली टायर का विड्थ बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्लस वन मतलब अगर आपका एग्जिस्टिंग रिम जो है वो 14 इंच का है और आप अगर 15 इंच डाल रहे हो तो उसे हम लोग प्लस वन कहते हैं। प्लस टू मतलब दोस्तों अगर आपका एग्जिस्टिंग रिम 14 इंच का है और आप अगर 16 इंच का टायर डाल रहे हैं उसे प्लस टू कहते हैं। दोस्तों, जब भी आप टायर अपसाइजिंग करते हो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो गुरु मंत्र है इसका वो एक चीज ध्यान में रखनी होती है, वो है आपका टायर का सरकमफेरेंस। टायर का सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, जो टायर का आउटर डायमीटर होता है, अगर लेट्स से एग्जांपल आपका जो टायर है ये 24 इंच का है उसके अंदर 2% प्लस एंड माइनस चलता है। दोस्तों, 2% के ऊपर अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो कंफर्ट है, कहीं ना कहीं आपका जो ओडोमीटर रीडिंग है ये एक्यूरेट नहीं रहेगा। दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं जब भी आप अपसाइजिंग करते हो तो क्या क्या चीजें करनी होती है। अगर आप विड्थ बढ़ा रहे हो आपके टायर की तो आपको एस्पेक्ट रेशियो कम करना होता है। बात करते हैं कैसा अपसाइजिंग करना होता है। मैं एक दोस्तों एक एग्जांपल दूंगा आपको, पोलो, वेंटो और रैपिड, ये इसके अंदर अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर आपको जो टायर साइज मिलता है वो 175/70/14 होता है, और उसमें अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हो उसमें आपको टायर साइज मिलता है 185/60/R15। सो दोस्तों, ये टायर को पहले अगर आपको समझना है तो 185 जो है वो उसके टायर की विड्थ होती है, 60 जो है ये है एस्पेक्ट रेशियो जो परसेंटेज है आपका विड्थ का, और R है जो रेडियल है, और 15 जो होता है दोस्तों वो आपका रिम का साइज है। सो ये ऐसा टायर को हम रीड करते हैं। सो आप देख सकते हो जो बेस वेरिएंट है उसमें 175/70R14। सो 175/70R14, 175 उसकी विड्थ हो गई, 70 जो हो गया उसका एस्पेक्ट रेशियो हो गया जो परसेंटेज में है आपका 175 का, और 14R14 रेडियल टायर है, 14 इंच उसका रिम का साइज है। आप यहाँ दोनों टायर देख सकते हो, दोनों एक ही साइज में एक ही हाइट में है। सो मोस्टली अमियो जैसी गाड़ी हो गई या वोल्सवैगन वेंटो हो गई या पोलो हो गई, हाई एंड में 185/60 लग के आता है, और जो लो एंड वेरिएंट है वहाँ पे 175/70/14 लग के आता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 165/80/14, ये जो होता है ये आपका स्विफ्ट डिजायर का टायर है। सो 165 जो बेस वेरिएंट में लग के आता है, 165/80R14 की जगह हम लोग रिकमेंड करते हैं 185/70R14। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये जो टायर का साइज है 165/80R14, 80 जो है परसेंट है 165 का, यहाँ पे 185 है जो 70 है वो 70% ऑफ 185 का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट के बारे में, दोनों की जो हाइट है वो सेम है। सो हम लोग ये परफेक्ट अपसाइज है क्योंकि ये जो टायर है ये टॉप एंड वेरिएंट में जो अलॉय व्हील्स के वेरिएंट में पुराने वेरिएंट में लग के आता था, ZXI या ZDI मॉडल, VXI और LDI जो मॉडल है उसके अंदर 165/80R14 का टायर लगा आता है। उसकी जगह पे आप अगर आपको अगर अपसाइज करवाना है तो आप 185/70/14 तक जा सकते हो। दोस्तों, काफ़ी गाड़ियां हैं जैसे मारुति अर्टिगा हो गई या होंडा सिटी हो गया, ये कुछ गाड़ियों के लिए अगर आप 2% से ऊपर भी जाते हो तो भी उसके अंदर कुछ दिक्कत आएगा नहीं, काफ़ी अच्छे से आपका जो टायर है वो परफॉर्म करेगा। मारुति अर्टिगा का जो साइज एग्जिस्टिंग साइज है दोस्तों 185/65/15 है, उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं 195/60R15, ये दोनों साइज आप उसमें डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देंगे। होंडा सिटी की बात करते हैं दोस्तों, होंडा सिटी जो है उसमें 175/65R15 है, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो उसका एस्पेक्ट रेशियो है वो 65 रखे, उसकी जगह पे दोस्तों आप 185/65R15 डाल सकते हो, या फिर आप 190/60R15 भी होंडा सिटी में डाल सकते हो, लेकिन स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी थोड़ा हार्ड होगा सिटी के लिए, आप हाईवे में काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस उसका मिल सकता है। तो अपसाइजिंग करने के काफ़ी एडवांटेजेस भी है और काफ़ी डिसएडवांटेज भी है। तो दोस्तों, पहले एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस अगर आप
एक्यूरेटली सही मेथड से अगर आप अपसाइजिंग करवाते हो तो आपका जो गाड़ी का स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है, आपके कॉर्नरिंग अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं आप जब ब्रेकिंग करते हो उसके अंदर ग्रिप भी टायर से ज़्यादा मिलेगा, सो काफ़ी सेफ रहेगा। एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, अगर आप सही तरीके से उसका अपसाइजिंग नहीं करते हो तो आपका जो कहीं ना कहीं ओडोमीटर है वो एक्यूरेट नहीं बताएगा। लेट्स से एग्जांपल, आप गाड़ी 50 के स्पीड से चला रहे हो, अगर आपने सही तरीके से अपसाइजिंग नहीं किया है तो वो एक्यूरेट 50 नहीं, आपकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, वो आपको कम दिखा रही है, सो वो एक ड्रॉबैक हो सकता है। और दूसरा, माइलेज, अगर आप अपसाइजिंग बराबर से नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका माइलेज भी ड्रॉप होता है। और जो तीसरा जो डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सिटी में गाड़ी चलाते हो कहीं ना कहीं जो स्टेयरिंग है आपका ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि आपका जो टायर अगर पतले होते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेयरिंग जो है वो सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर आप हाईवे राइडर हो, हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी और काफ़ी अच्छा ग्रिप आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी मिलेगा। लेकिन वही कार आप अगर सिटी में चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको स्टेयरिंग हार्डनेस आए फील होगा, सो जो कम्फर्ट मिलना चाहिए सिटी के अंदर तो वो नहीं मिलेगा। दोस्तों, अपसाइजिंग का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपका जो टायर है उसका एस्पेक्ट रेशियो कम हो चुका है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो टायर का वेयर एंड टेयर है वो ज़्यादा हो सकता है। सही मेथड से अगर आप टायर को अपसाइज नहीं करोगे तो आपको ना कम्फर्ट मिलेगा ना स्टेबिलिटी मिलेंगी और कार है जो आपकी वो बाउंसी हो जाएंगी। तो बताना चाहूँगा, जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स है, जो भी व्हील साइज लगाते हैं वो काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद में ही वो उसको लगाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको अपसाइजिंग करना ये मैंडेटरी है। तो मैंने कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। उसके अंदर आपको करंट टायर का साइज डालना है और कौन सा टायर आप अपसाइज करना चाहते हो वो डालना है, और उसके अंदर आपको दिखेगा कि कितना परसेंट का जो वेरिएशन उसमें आ रहा है। दोस्तों, अगर 2% के अंदर है तो आप बेफिक्र होकर उस टायर को डाल सकते हो। दोस्तों, हम ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो पे काम कर रहे हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। राइडर प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।